गुरु के सुमिरण मात्र सौ नासत बिगनयन याते सर्वारंभ में द्यावत हैं सब सन याते सर्वारंभ में द्यावत हैं सब सन। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएँ माताएँ और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियाँ, वास्तव में ये मानव जीवन ही सावन का महीना है। जो 12 महीना हम कहते हैं और ये मानव शरीर 12 महीनों की बहार, अगर आप जागृत हो तो हर घड़ी स्वतंत्र हो, अगर आप सोए हुए हो तो कहीं ना कहीं तुम बंधे हुए हो। हमें दुनिया में कोई भी शक्ति निर्बंध नहीं बना सकती है, कहीं ना कहीं बंद तो जाते ही हैं। और वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं बंधना प्रथम चरण में ठीक भी है। जैसे हम रोड पर चलते हैं तो अपने हाथ पर चलते हैं, और तुम कहोगे हम तो चाहे तिथे चलेंगे स्वतंत्र हैं, तो तुम बीच में चलोगे तो टकरा जाओगे, दूसरे हाथ पर जाओगे तो टकरा जाओगे, और टकराओगे नहीं तो कोई समझदार आदमी होगा वो कहेगा अरे बड़ा मूर्ख आदमी है, ये कैसी स्वतंत्रता जो चारों तरफ सड़क पर भग रहा है। तो स्वतंत्र चलना अगर किसी भाई बहन पर आ जाए तो वो अपने हाथ पर ही होता है, अपनी लाइन पर ही जो रहते हैं वही स्वतंत्र होते हैं। और जो अपनी लाइन से एक स्वतंत्रता का दावा दे करके और अपनी लाइन को काट करके बेलाइन हो जाते हैं तो सज्जनों वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, कहीं संयम में हम बंध जाते हैं। तो अपने संयम में अपनी साधना में ही रह करके हम स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र कोई एक ऊँट है वो चाहे तिथे मोह उठाए के चंदे, वो स्वतंत्र नहीं है, वो एक पशु है, उसकी कोई लाइन नहीं है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमको कहीं ना कहीं पहले बंधना है, और जब हम ठीक तरीका से बंधे होंगे, चाहे हम सदगुरु के सानिध्य में हों, चाहे हम अपने सदगुरु के ज्ञान के सानिध्य में हों, हमारे मन और इंद्रियां इधर उधर खींच करके ले जाते हैं और वो हमारी स्वतंत्रता को भंग कर देते हैं। मन सारथी पुरस बिसे लहर पोराए, मन के चलाए तन चले जासो सर्वस जाए। ये मन सारथी है, और अगर मन को सदगुरु के ज्ञान रूपी कठोर डंडा से अगर नहीं पीटा जाएगा तब तलक वो ठीक रास्ता पर नहीं चलेगा, ये ध्यान रखो। मन के लिए बड़े कठोर संयम की आवश्यकता होती है। सज्जनों, जो वास्तव में जिन भाई बहनों के अंदर में कठोर संयम होता है
वो अपने हाथ पर चल करके अपने जीवन को स्वतंत्र बना लेते हैं। वो किसी के बंधुआ नहीं होते हैं, किसी विषय के गुलाम नहीं होते हैं। और अगर मन पर तुमने छोड़ दिया और अगर मन ढीला है तुम्हारा तो वो तुमको ले जाएगा। मन के मते न चालिए, मन है कच्चा दूत और ले डूबे दरियाव में जाए हाथ से। इसलिए मन के लिए बड़े कठोर संयम की आवश्यकता है। किसी ने कितना बढ़िया कहा है, ये कठोर बात है कि जो मन चलता खाने को तो छोड़ पकीरी। कितनी बात बढ़िया कही है। और मन हमारा खींच करके ले जाता है अच्छी अच्छी चीजों पर। अच्छा रूप दिखा, मन फिदा हो गया। अच्छी शौक सुविधाएं दिखी, मन फिदा हो गया। सज्जनों, यहाँ हमको बहुत बड़े संयम की आवश्यकता है। और जो भाई बहन अपने संयम के साथ जीते हैं, समझ लो कि वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त हो जाते हैं और वो हर वक्त स्वतंत्र रहते हैं। आपने सुना होगा रेलगाड़ी अपनी लाइन पर चलती है, उस पर कोई कोर्ट कचहरी का जोर नहीं चलता है। 10 मर जाऊ, 20 मर जाऊ, गाय मर जाए, गधा मर जाए, घोड़ा मर जाए, हाथी मर जाए, लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चलता है, क्योंकि उसकी स्वतंत्र लाइन है। उसकी लाइन पर जो जाएगा वो मरेगा। और ठेला मोटर मोटरसाइकिल ट्रैक्टर बस ये लाइन से बेलाइन हो जाते हैं, तो देखो तुम हर एक थाने में 10-10, 20-20, 50-50 डरे डरे सर रहे हैं। काफी दिन के बस सर रही हैं, ठेला सर रहे हैं, ट्रैक्टर पड़े हैं। क्यों? बेलाइन से बेलाइन हो जाते हैं। मेरे भाई बहनों, ये संत महात्मा और ये सत्संग जीने की लाइन बताता है। ये जीने की लाइन है। अगर इस जीने की लाइन पर हम ठीक तरीका से अपनी लाइन को पकड़ करके चलेंगे तो आप स्वतंत्र हो। और अगर आपने इस लाइन को काटा तो आपको भी थाने में, कोर्ट में, कचहरी में पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए हमेशा जागृत रहिए। और आप जागृत हो तो आप स्वतंत्र हो, आप पर किसी का बंधन नहीं है। और अगर आप कहीं अज्ञान की नींद में सो गए तो आप पर एक नहीं हजारों बंधन हो जाएंगे। इसलिए संत तो जगाते हैं। ये मानव शरीर सावन का महीना है, क्योंकि सावन बड़ा सुहावना होता है। अभी सुनी रहे आप, इसमें वर्षा होती है, सब जंगल पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं, खेतों में फसल लहलाती हुई नजर आती हैं। अब की बार तो मामलों कुछ गड़बड़ है, गो है चंबल ले गई पूरे बाजरे ने, बिते क्वारी ले गई सवन ने, बिते सिंध ने, सब मामलों सुपड़ा साफ कर दो। कछु बेचारे किसान बह नहीं पाए, कछु बो दिया था वो ठीक उपज भी नहीं पाया। चलो काम तो सब चलते हैं, वो कोई बात नहीं है। ये मानव का शरीर ही सावन की बहार है। सज्जनों, हर रोज की दीपावली है, हर रोज की होली है, हर रोज का सावन है, हर रोज का फागुन है। अगर तुम जागृत हो तो, अगर नहीं जागृत हो तो देखो तुम सावन का महीना है, कितनी सुंदर बहार है। आप जाओ हॉस्पिटलों में, क्या हाया तैया मच रही है, जगह नहीं है, लाइन लगी है 6-6, 8-8 भिंत जो को कैसी बहार आ रही है, हैं? जो कहेंगे मर गए जो सावन को आयो भावई आई गई, खाएगो सावन। जो बेचारे नदियों की बाढ़ में फंसे हुए थे उनसे पूछो कैसा सावन रहा, मर गए सावन, ऐसो कबू नहीं आवे, मन ना ऐसे सावन की जरूरत है। सज्जनों, वास्तव में ही ये बड़ा ही परम सौभाग्य है। हाँ, जिनको ज्ञान होगा ठीक, जो जागृत होंगे वो उस बाढ़ में फंसे हुए भी
अपने जीवन को धन्यवाद दे रहे होंगे। क्यों? कि एक जागरूकता का विशेष महत्व होता है। हमारे भीतर में श्वास चल रही है, एक एक श्वास तेरी, एक एक श्वास हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। हीरा नर्तन ऐसा जो पाया ये गमाने के काबिल नहीं है। तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, अनमोल श्वास तेरी, ये श्वास है अनमोल है। जो भाई बहन ठीक तरीका से बाहर से लौट करके अपने भीतर थोड़ा आनंद भीतर झप करके देखता है अपने आप में, समझ लेना आपका मन अनुशासित होने लगता है। भाई लोग कहते हैं महाराज ये मन नहीं ठहरता है, क्योंकि मन को ठहराने का तुमने प्रयास ही नहीं किया, तुमने मन को ठीक तरीका से समझा ही नहीं। और मन को इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि हम कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ हम सत्संगों में जाते हैं वहीं वहीं पर हमें दूसरी और तीसरी और चौथी अनंत तरीका से लोग अपनी अपनी बातें बताते हैं। कहीं कहीं तो कोई बात ही नहीं करते हैं, साधना पर बहुत कम बात करते हैं। साधने का अर्थ ही होता है जो ठीक साध लेते हैं अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी इंद्रियों को, जिनकी वाणी सदी होती है। सज्जन उनकी वाणी में हमेशा रस झलकता है। हम तो साधु महात्मा हैं, कितने एक एक साधारण लोग हैं जिनके पास में जो बोलने का तजुर्बा है, वो लोग हमेशा मीठी मीठी बातें, बहुत सुंदर सुंदर बातें करते हैं और लगता है कि और बोलते रहें और बोलते रहें और बोलते रहें। और हम लोग कितनी भी साध सुध करके कहें लेकिन फिर भी लोग ठीक तरीका से नहीं सुन पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्योंकि एक जीवन की सहजता होती है, जो सहजता में कोई चीज़ निकलती है सज्जनों वो विशेष सुंदर होती है। और जो किसी चीज़ को बना करके कहा जाता है सज्जनों वो सुंदर नहीं, उसकी सहजता का भी रूप बिगड़ जाता है। इसलिए हम अपनी सहजता को पहचाने, अपने स्वभाव को पहचाने कि वास्तव में ही हमारा स्वभाव कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि भीतर में कुछ और हो और बाहर में कुछ और हो। अगर भीतर में कुछ और है और बाहर में कुछ और है तब तो समझ लो कि फिर द्वंद है। मुख कछु और हृदय कछु आना और सपने का मोह नहीं जाना। इसलिए आप जैसे भीतर में हो वैसे ही बाहर आ जाइए स्पष्ट रूप से। आप सबके प्यारे होंगे। अगर भीतर की बात को तुम जोश में भी कह देते हो तो तब भी कुछ भाई लोग कहते हैं आदमी बढ़िया है, वो भीतर ना रखे तो कुछ आ जाते थे फटक हाथ दे तो चौरे में, और वो निकल जाती है तो बात समाप्त हो जाती है। और अगर वो भीतर भीतर बनी रहती है तो फिर वो ज़्यादा परेशानी देती है। इसलिए ऐसा भी कहा है साधु सोई सराइए चौड़े कहे बजाए, और चाहे टूटे चाहे फूटे बिन कहे भरम न जाए। सज्जनों जो समझदार होते हैं वो ठीक तरीका से उसको निकाल भी देते हैं, कह देते हैं। अपने भीतर का कोई भाव है उसको बाहर कर देना चाहिए। जैसा भीतर है वैसा ही बाहर हो, जैसा बाहर है वैसा ही भीतर हो, बस बन गया सामंजस्य। आप बढ़िया जब प्यार से बोलते हो अपने परिवार में, ऐसा कहा है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तो संत जनतवा। जो वास्तव में जिनके पास में मीठे शब्द होते हैं तो मीठे शब्द गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बंदरों को भी अच्छे लगते हैं। तुम अपनी भैंस से मीठे शब्द बोलो वो समझ लेगी, और तुम बापे आँख काट के ललकारो फटकारो तो वो समझ लेगी कि धनी नाराज है रहो है। इसलिए सज्जनों प्रिय वाक्य प्रधानेन, ये एक वाणी का संयम है। मैंने कहा था कि संयम, संयम एक ऐसी साधना होती है। और ये ध्यान रखना ऐसा नहीं है
हम कितने अपने महात्माओं से भी, हम साथियों से भी ये प्रार्थना करते हैं कितनी कितनी बार, लेकिन जब भीतर से निकलता है तो वही आग का अंगार। तो ऐसा मत समझ लेना कि ये तो साधु संतों का ही काम होता है। ये अगर समझ में आ जाए किसी की में तो कोई भी ठीक अपने मन और इंद्रियों को संयम में कर सकता है। और अगर नहीं समझ में आए तो आप जीवन भर साधु बन जाइए, आप जीवन भर सत्संग करते रहिए, आप जीवन भर भटकते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखो, मुंह से कोई ऐसे गाली जैसा शब्द तो कोई निकलना ही नहीं चाहिए कभी। जो सज्जन होते हैं उनके मुंह से अगर क्रोध भी आ जाए तब भी कोई गाली जैसा शब्द तो निकलना ही नहीं चाहिए। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सम, फूले फले न बेत अद्यपम्रसा बरसे जलद। चाहे रोज बापे वर्षा होए बेंत के पौधा पर उसमें फूल और फल नहीं आता है। जैसे गोली गुमज की नीच पड़ी ठहराए, तैसे ही हृदय मूरख का शब्द नहीं ठहरा। तो सज्जनों, कोई गुम्बज है उस पर आप गोली डालिए तो वो बाप रुकेगी नहीं। ऐसे ही कहीं कहीं मूर्ख का हृदय ऐसा ही होता है। गुरु बेचारा क्या करे। अभी महात्मा कह रहे कि जाको गुरु है आंधरा, और मैं एक बात निवेदन करूं, अगर वास्तव में गुरु को आंधरा होए लेकिन चेला ने अगर ठीक ठाक होए तो वो अपने आंधरे गुरु तो गुजर कर लेगा। क्योंकि शिष्य के माने गुरु होता है, गुरु के माने शिष्य नहीं होता है। अगर गुरु कहीं कमजोर भी है थोड़ा, और अगर चेला ठीक है, जागृत है, समझदार है, तो वो हलके गुरु थे अपनों काम निकाल सकते हो। क्यों कि गुरु तो एक संकेत है। गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था एक लव्य से कि हम तुझे शिष्य नहीं बनाएंगे, और एक लव्य ने मट्टी की प्रतिमा बना करके और उसने अभ्यास अपना शुरू कर दिया, और दिन में रात में उसने ऐसा अभ्यास किया कि गुरु द्रोणाचार्य को बता दिया कि हाँ कोई धनुर्धर है एक लव्य, और उसका अगर अंगूठा नहीं कटता तो शायद उसका सामना अर्जुन के लिए भी भारी हो जाता। गुरु ने तो मना ही कर दिया था। कितने ऐसे शिष्य हैं जो गुरु से थोड़े से सारे में थोड़ी सी सेन बहनों में समझ करके, और ये भी कहा है कि गुरु तो गुरु पर चेला है गए शक्कर, गुरु तो गुरु रह गए और चेला शक्कर रह गए। पर फिर भी क्या किया जाए, गुरु बिचारा क्या करे शिष्य माए चूक, भावे तो परमो दिए बांसु बजाए फूंक। और फिर अगर गुरु तो बढ़िया है, खूब अच्छा हो, तत्व ज्ञानी है, विद्वान है, पर अब चेला भाई ना सुन तु। कबूँ कबूँ ऐसा होता है, ऐसे भी चेला और गुरु होते हैं। एक बार गुरु ने कही, बेटा भंडारे में चलो देख लो कछु खानो पीनो क्या व्यवस्था बन रही है। बोले हाँ गुरुजी, देख लेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है, बना लेंगे। दोनों साधु संतन ने कछु भोजन बना लो। दूसरे गुरुजी ने कही, बेटा देखो कछु भोजन बन गया हो तो भोजन प्रसादी पब्बा दे। बोले हाँ गुरुजी, देख लेंगे। तो न वो पाए उठे। फिर गुरुजी ने कही, चेला राम भोजन पा लो चलो। हाँ गुरुजी, आपकी आज्ञा को पालन जित हो रही है कि सगई बात को हटा तो चले जाए।
हाँ आपकी बात ये तो मान, एक आध तो माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर सगई बात अन्य हम अगर नहीं मानेंगे तब तो फिर नरक में चले जाएंगे। कछु कछु ऐसे भाव होते हैं कि जो वास्तव में ही गुरु तो कोशिश करता है बहुत बड़ी अच्छी लाइन बनाने की, लेकिन चेला मैं कहता हूँ आपको चला सो यमपुर जाए। गुरु तो खींचता है अपनी तरफ को, लेकिन शिष्य उधर ही चला जाता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों ये भी चिंता मत करना, आपका अगर गुरु थोड़ा कमजोर भी हो तो कोई बात नहीं है, तुम अपने लक्ष्य पर सही सावधान रहना तो निश्चिंत रूप से आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा। क्यों? क्या गुरु की सेन बहना होती है, जिन्होंने अपने गुरु की सेन बहनों को समझ करके और वो चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ तो वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, और जिन्होंने गुरु की सेन बहनों को नहीं समझा सज्जनों तो वो कहावत में कहते हैं नहीं के ढिंग रहे तो का भयो नेक न समझो एन, और शिष्य कहे गुरु मरे गो सुआ समझ गयो। एक कहानी आते है महात्मा लोग कहा करते हैं कि एक को चेलाओ भोरो भारो, गुरु ने कही भिक्षा मांगेला, गयो भिक्षा मांगे भे, अबे भजन सुनाएंगे, गया भिक्षा मांगने के लिए चेला तो एक दरवाजे पर पहुंचा और वहां वो सुआ बंद था पिंजड़ा में। उसने कहा माई भिक्षा मंदे जय हो बंदी छोर की। वो माई आई भीतर से और भिक्षा दे करके वो तो भीतर चली गई। सुआ ने पूछा भैया बंदी छोर कौन थे कहते हैं, बोले बंदी छोर हमारे गुरुजी हैं। क्यों भैया? क्या वो जीव की बंद छुड़ा देते हैं। तो भैया मेरी बंद छूट जाएगी, देखो चेला ने कहा तो भाई मैं कल बताऊंगा। उसने जाकर के अपने गुरुजी से निवेदन किया, गुरुदेव एक सुबह ने हमसे ये बात पूछी है कि मेरी बंद छूट जाएगी क्या, और आप बंद छोड़ रहे हैं तो कोई युक्ति बताइए जिससे उसकी बंद छूट जाए। तो गुरुजी ने एक ड्रामा करो, एकदम वो गिर गए पीछे को, आँख मिच गई, हाथ पैर फड़फड़ाए रहे हैं, चेला घबराएगो, कहीं नार को सीधी करता है, कहीं पैरों को सीधा करता है, कहीं पानी डालता है मुख में, और करीब करीब आध एक पौन घंटा में गुरुजी बैठे हुए। चेला सोच रहा अब नहीं पूछूंगा मैं, पता नहीं जाने क्या शब्दों में जादू घोर दिया, मेरे तो गुरुजी मर गए होते। अब चेला दूसरे दिन सोच रहा है कि भाई पूछेगा तो हुआ, लेकिन क्या कहूँगा, चलो छोड़ा उस रास्ता से ही अलग हो जाए। वो दूसरे रास्ता से जा रहा है लेकिन सुआ तो देख रहा था। सुआ ने फिर आवाज़ लगाई जय हो बंदी छोर की। अरे भैया अगर तुम्हारे गुरु नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, मने कर दे, बच के क्यों जा रहे हो। चेला राम आए, चेला ने कही रे भैया तेने अपने शब्दों में जाने कौन सा जादू मिल दिया, जैसे मैंने गुरुजी से तेरी बात रखी तो गुरुजी तो गिर पड़े घसा खा करके, और हाथ पैर टूट गए उनके, नार लिट गई उनकी। भैया करीब करीब आध घंटा पौन घंटा में होश में आए गुरुजी, फिर मैंने तो तेरी बात वही छोड़ दी, मैंने नहीं पूछा है उनसे। सुआ ने कही ठीक है जा, वो समझ गया। और जैसे ही उसने अपनी पीठ फेरी और वो आग, सुआ ने वही ड्रामा कर दिया जो गुरु ने कब बताया था, एकदम फड़फड़ फड़फड़ करके गिर पड़ा, नार लिट गई, पंख तिरक रू से हो गए। अब घर की मालकिन आई निकल करके और कहने लगी हाँ ये क्या, अभी तो ये महात्मा से बात कर रहा था, क्या हो गया इसको। सज्जनों उस मालकिन ने पिंजड़ा को खोल करके जैसे उसको निकाला सुआ को, और दस कदम लेकर ये जी तुम तो मर गए हो,
और जैसे फेंका और वो उड़ गया और वो बेचारी देखती रह गई कि ये तो बड़ा जाली निकला, मेरे को भी धोखा दे गया। ढिंग रहा तो क्या हुआ ने कन समझो एन, शिष्य कहे गुरु मर गए सुआ समझ गयो सेन। देखिए वो शिष्य था, कितना बढ़िया गुरु था, और सुआ के लिए उसने एक इशारा किया था और वो शिष्य नहीं समझ पाया और वो सुआ समझ गया, इसलिए उस सुआ ने अपनी बंद छुड़ा ली। इसी तरीका से मेरे बहन भाइयों, जो समझदार लोग होते हैं, जिन भाई बहनों के अंदर थोड़ा विवेक जगा हुआ होता है, तो वो अपने जीवन को स्वतंत्र बना लेते हैं। जैसे सुआ, सुआ ने अपना जीवन स्वतंत्र कर लिया। कहाँ तो वो पिंजड़े में बंद था और अब वो खुले आकाश में फिर अपनी यात्रा कर रहा है, घूम रहा है। इसी तरीका से मेरे बहन भाइयों, स्वतंत्रता बाहर की नहीं होती है, स्वतंत्रता भीतर की होती है। बाहर से तो हम इस आश्रम में रह रहे हैं और आप लोग अपने घर में रह रहे हैं, तो घर और आश्रम एक ही बात है। आप भी अपने बच्ची बच्चाओं को देख रहे हैं, यहाँ हम भी आश्रम को देख रहे हैं। उसी तरीका से आप भी अपने घर पर झाड़ू पोछा करते हैं और हम लोग भी झाड़ू पोछा करते हैं। आप लोग भी भोजन पानी की व्यवस्था बनाते हैं और हम लोग भी बनाते हैं। आप लोग भी कहीं जाते हैं, हम लोगों को भी कोई बुलाते हैं भाई बहन, तो हम लोग भी जाते हैं। तो क्या फर्क रहा ऊपर से है? लेकिन सज्जनों, वास्तव में ये बात भीतर की है। अगर भीतर से समझ में आ जाए, कैसी समझ? एक संत कोई उदाहरण दे रहे थे, बताते हैं, कोई भारत देश की बात है। कहीं कोई मर जाता है वहां, तो माताएं आती हैं रोने के लिए किराए पर, और कहीं गीता आनंद होते हैं तो गीता आनंदों के लिए भी माताएं आती हैं किराए पर। तो बेईमानी की टोली होती है, दस दस की, पंद्रह पंद्रह की, बीस बीस की। तो बेई तो गीत गाते हैं और बेई रोते हैं, तो बिन पे साई बन जाते हैं। जैसे हमने पे लोग सत्संग बनवा देते हैं, ऐसे ही बिन पे साई बन जाते हैं कि फलाने दिन तुम्हें वहाँ रोना हो और फलानी समय पे जाना हो, वहाँ एक घंटा रोना हो और फिर वहाँ से चल करके फिर दूसरी जगह एक घंटा बांटा ही फिर गीत गाने हैं। तो बिनकी जो टोली की टोली इसी तरीका से सवेरे ही निकलती हैं, कोई दस की टोली है, कोई बारह की टोली है, जैसे बाजे वाजे की ना होती है, कोई छः ने को बैंड होता है, कोई आठ ने को होता है, कोई बारह ने को होता है, कोई सोलह ने को होता है। ऐसे ही उन माताओं की टोली है वहाँ। तो अभी माताएँ सवेरे से ही निकलती हैं, तो कहाँ कहाँ हमें आज रोना है और कहाँ कहाँ गीत गाने हैं। तो जैसे उन पर साई बंधी होती है और उसी तरीका से वो वहाँ रोना है तो वहाँ पे रोते हैं, खूब मूड पटक पटक कर रोते हैं। वैसे ही झूठ मार सको, ऐसे मूड पटकें तो मच जाएंगे। हाँ बिन तो भाई पैसे नहीं को रो रही हैं, कभी आदमी को थोड़े रो रही हैं कहूँ कहूँ। तो वे खूब रोती हैं और फिर कहीं हाल तुरंत कहीं दूसरी जगह पहुँची तो वहाँ फिर गीत गा रहे हैं, तो वहाँ गीत गा रही हैं, खूब ढोलक बज रही है और खूब नाच रही हैं, और वहाँ से अपना पेमेंट किया, फिर दूसरी जगह पहुँचे तो फिर वहाँ रोना है, फिर कहीं गीत गाना है, और शाम को अपने घर पर पहुँची, उनके चित्त में न तो कोई रोने का दुख है और न कोई उन गीतों का आनंद है, उनके चित्त में कुछ नहीं है। बस उन्होंने तो जहाँ चार जगह रोना पड़ा वहाँ रोई, और चार जगह गीत गाने पड़े वहाँ गीत गाए, और शाम को आकर के अपने घर पर स्वतंत्र शांति की नींद ले रही हैं। न उनको रोने से कुछ लेना देना है और न कुछ गीत आनंदों से लेना देना है, क्योंकि न उनका रोना था और न उनके गीत आनंद थे। यही स्थिति हमारे जीवन की हो जाए, ऐसा ही हम समझ लें अपने जीवन में, कि वास्तव में न तो रोना है और न असना है। रोने और असन से जो भाई बहन ऊपर होते हैं, उनका चित्त निर्मल और पवित्र और स्वतंत्र होता है। वो समझते हैं कि ये संसार की रीति है, ना कहीं वो
इतना इतने दुख के गर्त में जाते हैं और ना वो कहीं इतने सुख के गर्त में जाते हैं। सुख आया तब भी वैसे ही और दुख आया तब भी वैसे ही, क्योंकि ये दुख और सुख ये जीवन के दो किनारे हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये मानव जीवन कितना बढ़िया मिला है देखो। अंश बिना ने नवे सुत जग में, कुल बिन लाज करे कब नारी, फल बिनु डार नवे ना कबहू, प्यास बुझे ना ओ सकी बारी, गुरु बिनु ज्ञान कहाँ से आवे, ज्ञान बिनान बने ब्रह्मचारी, कहे कबीराय काम नहीं आवे, कुंद कृपाण गमार की आ रही, कहे कबीराय काम नहीं आवे, कुंद कृपाण गमार किया रही। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये मानव शरीर कितना बढ़िया है, जिंदगी की ये अनमोल घड़िया, ये लौटाने के काबिल नहीं है, जिंदगी की अनमोल घड़िया, ये लौटाने के काबिल नहीं है, वक्त खाते ही पीते और रहना, नर देही के काबिल नहीं है, वक्त खाते ही और रहना, हो नर देही के काबिल नहीं है। ये मानव शरीर केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है। कबीर जब हम पैदा भए, जग ऐसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। देखिए सुबह होते ही सूरज निकलता, सुबह होते ही सूरज निकलता, सबको देता है सुंदर संदेशा, संदेशा सबको देता है सुंदर संदेशा, सबको देता है सुंदर संदेशा, और क्या कहता है, उठो जागो करो अब न देरी, हो वक्त सोने के काबिल नहीं है, उठो जागो करो अब न देरी, वक्त सोने के काबिल नहीं है,
जिंदगी की ये अनमोल घड़ियां ये लौटाने के काबिल नहीं है। वक्त खाते ही पीते और रहना हुनर देई के काबिल। जगा हुआ व्यक्ति किसी प्रकार का नशा नहीं करेगा। जगा हुआ व्यक्ति हमेशा सतत सावधानी के साथ बरतता है। जगा हुआ व्यक्ति गाली नहीं देगा। जगा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे को दुख पहुंचाने की चेष्टा नहीं करेगा। जगा हुआ व्यक्ति सेवा करेगा। क्यों? सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, सब घट मेरा साइया। प्राणियों की अगर सेवा करते हैं तो हम भगवान की सेवा करते हैं, अगर प्राणियों से बैर करते हैं तो भगवान से ही बैर करते हैं। देखिए, क्यों तू बुरु में फूला तू ढोले, क्यों तू बुरु में फूला तू ढोले, ऐठ में फेंट अपनी ने खोले, हो ऐठ में फेंट अपनी ने खोले, ऐठू में फेंट अपनी ने खोले, छोड़े रत्नों को कंकड़ टटोले। ये दया है, क्षमा है, संतोष है, ये रतन है, धीरज है, शील है, विचार है। कहते हैं भगवान बड़े दयावान होते हैं, भगवान बड़े करुणावान होते हैं। दया के सागर, करुणा के सिंधु। मेरे बहन भाइयों, ये आपके भीतर के रतन हैं। अगर आप प्राणियों पर दया करते हो तो आप किसी भगवान से कम नहीं हो। अगर आप प्राणियों पर करुणा करते हो, ये पूरा विश्व आपका मित्र बन जाएगा धीरे धीरे। इसलिए छोड़े रत्नों को कंकड़ टटोले, ये उठाने के काबिल। छोड़े रत्नों को कंकड़ टटोले, कितनी बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए, और लोग अंडा और मांस खाते हैं। और कई कई मतों का तो हम इस तरीके से सुनते हैं कि वो चर्चा ही नहीं करते हैं खान पान पर, तो कि भैया कोई कुछ भी खाए पिए, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो चाहो तो अपना निजात्म कल्याण, तो तीन सुधारो प्रेम से खान पान पहरान। अगर अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो अपने आहार और विहार और पहराव। सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी ने कही है, जहां कांच की रीचि बदले ते ले ही, करसो नार पर समड़ दे ही, यातन कर फल बिसेन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है,
ये शरीर का फल तो मुक्ति है, मोक्ष है, शांति है, आनंद है। और अगर इस शरीर को कोई विषय भोग का ही साधन समझ लेता है तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है वो। इसलिए मेरे बहन भाइयों, छोड़े रत्नों को कंकड़ टटोले ये उठाने के काबिल नहीं है। जिंदगी की ये अनमोल घड़ियां ये लुटाने के काबिल। तू समझता, तू समझता तू समझता सभी ठाट मेरा। अरे भैया, तेने दो मंजिल की बनवा ली है और तेरे भैया की के तेरे पड़ोसी की एक मंजिल की आज झोंपड़ी है और तू भाई के सामने मूछने बताओ देखे जा तो है। ये भक्त की बलियारी होती है। और सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी ने तो कितना बढ़िया कहा है कि कबीर ये संसार है जैसे श्यामल फूल और दिन दशके व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीर धूल समेट के पुड़ी जो बांधी एह और चार दिना का पेखना अंत खे की। हे उर्दू का शब्द है, राख को कहते हैं। ये चार दिना का पेखना और पीछे फिर खाक की खाक, राख की राख। तू समझता सभी ठाट मेरा। चंद दिन का समझ ले बसेड़ा बसेड़ा, चंद दिन का समझ ले बसेड़ा, चंद दिन का समझ ले बसेड़ा। होटे हाकिम लुटेगा ये डेरा। इससे कितनी बढ़िया बात कही है कि तुलसी जा संसार में भांत भांत के लोग और सबसे हिलमिल चाली हो नदी नाव संजोग। और ध्यान रखो, कोई आश्रम है उसमें चार लोग हैं तो चारों एक से नहीं होते। कोई परिवार है उसमें चार बहन बेटी हैं, चार आदमी है, उसमें सब एक से नहीं होते। एक बाप के चार बेटा होते हैं, चारों बेटा एक से नहीं होते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा हो पृथक गुण शील आचारा, कोई तापस कोई पंडित ज्ञाता और कोई धनवंत सूर कोई दाता। एक ही बाप के चार बेटा और एक पैसे वाला हो गया, एक बेचारा गरीब हो गया। एक कुर्सी पर बैठा हुआ है एसी में और एक बेचारा जंगलों में खाक छान रहा है। एक ही बाप के हैं। पर ध्यान रखना, कितनी बढ़िया बात कही कि तुलसी जा संसार में भांत भांत के लोग और सबसे हिलमिल चालियो नदी नाव संयोग। जैसे नदी और नाव का संयोग होता है, इसी तरीका से हम और आप सब भाई बहन मिले हुए हैं। अगर पति कहीं थोड़ा सा लाइन से गैर लाइन हो जाता है तब भी समझौता कर लेना, अगर पत्नी कहीं गैर लाइन हो जाती है तो समझौता कर लेना, अगर भैया कहीं थोड़ा गैर लाइन हो जाए तो समझौता कर लेना। और ध्यान रखो, किसी को मिटा करके कोई स्वयं बसना चाहे। किसी ने कहा है कि दूसरे को भगा करके अगर बसे हो तो बसना क्या और दूसरे को रुला करके हंसे हो तो हंसना क्या। अभी तीन दिन पहली बात है, धौलपुर में एक कांड हुआ है। एक भाई नहीं और भाई को मरवा दिया और बुरी तरीका से कटवा कटवा करके, और हाल ही पता लग गया और वो पकड़ गए और जेल पहुंच गए दोनों बाप बेटा। ध्यान रखो, एक भाई तो वैसे गया और अब वो वैसे गए।
तो हम ये सोचें कि किसी को मिटा करके और हमारी हैसियत बन जाए, तुम्हारी भी नहीं बनेगी। अगर अपनी हैसियत को बढ़िया बनाना चाहते हो तो दूसरों की हैसियत की तरफ ध्यान रखो, दूसरे को बसाने का प्रयास करिए, तो निश्चित रूप से आपका भी बाल बांका नहीं होगा। और आपने अगर किसी को भगाने का प्रयास किया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो भगे या न भगे, लेकिन तुम वहाँ नहीं रह पाओगे, तुम जरूर भाग जाओगे। तो सदगुरु कितनी बढ़िया बात कहते हैं, सबसे हिलमिल चाली हो, कंधा से कंधा लगा करके, किसी ने कहा किसी ने सुना कोई बात नहीं है। तू समझता सभी ठाट मेरा, चंद दिन का समझ ले बसेड़ा, चंद दिन का समझ ले बसेड़ा, होटे हाकिम लुटेगा ये डेरा। सदगुरु कबीर तो जहाँ तक कहते हैं कि मानस जन्म चुकौ अपराधी, ये तन केर बहुत कर साजी, इस शरीर में भी बहुत लोगों का हिस्सा है। सात जनन के पुत्र है हमारा, ए माँ कहती है मेरा बेटा है, पिता कहता है मेरा बेटा है, भैया कहता है मेरा भैया है, और पत्नी आ गई तीनों कहते हैं थियो का जा में मेो आदमी है, हटे तू पिता को पीछे को डुकैया पीछे को ढकेल देते हो, आप समेटते हैं। और बच्चा हो जाता है तो फिर कहता है मेरा बाप है, कऊ को कछु ना आदमी मेरा बाप है, और फिर कोई कहते हो कि मेरा फूफा, कोई कहते हो कि मेरा जीजा, कोई कहते हो मेरा मामा, कितने का हिस्सेदार रह गए। और फिर हमारा ये शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, अग्न कहे मैं ये तन जारो, और पान कहे मैं जरत उबारो, धरती कहे मोए मिल जाई, और पवन कहे संग ले उड़ाई। ऐ धरती कहती है कि भैया मेरे हिस्से में मोए दे, आग कहती है कि मेरे हिस्से में मोए दे डट जा, और पानी कहता है डट जा तुम्हारी ना सब कछु मेरे कछु है तो है, और हवा कहती है कि मेरे बहुत कछु है, मैं नेक रुक जाऊंगी तो बस हाल ही खेल हो जागो, का एगो अटैक पर एगो हवा रुक गई। इतने घर के साजिया जन्मों भर दुख पाओ, इस घर में कितने हिस्सेदार हो गए। और चेतत नाय मुग्ध नर बोरे मोर मोर गहराओ, अरे तू तू मेरो मेरो कह तो है। अब देखो जो आश्रम में कितनी छपकली है, बिजो कहते होंगे हम आओ जी, एक बिल्लो को बच्चा आएगो अब सगन निकाल भी सोच रहो है, पहले मुंह से निको चढ़ल्ला तगड़ो, अब बे दो आ गए हैं तो बिन्न सक भी भगा जाए, अब भी बने बैठे अब बे तक बे तक कहूँ कछुआ पटक तो कहूँ कछुआ उठाव तो कहूँ कछुए, और तुमको इतना मन से आना होगा यहीं आ जाए वाले। सज्जनो वास्तव में ते जहाँ जो व्यक्ति जहाँ रहने लगता है और वही समझता है कि जी मेरा है, तुम्हारे घर पर कुत्ता है वो कहते मेरा घर हो, बिल्लू है वो कहते मेरा घर हो, चूहे हैं वो कहते मेरा घर हो, कीड़ा मकोड़े कह रहे हैं मेरा घर हो। कितने घर के साजियां, कितने साझीदार हो गए, और तू मेरा मेरा कहता है। इसलिए उठे हाकिम लुटेगा ये डेरा, यहाँ रहने के काबिल नहीं है, उठे हाकिम लुटेगा ये डेरा, यहाँ रहने के काबिल नहीं है, जिंदगी की अनमोल घड़िया ये लुटाने के काबिल नहीं है, भक्त खाते ही पीते और रहना नर दे के काबिल। स्वप्न की नींद में खाता गोता,
स्वप्न की नींद में खाता गोता, क्षण में हंसता कभी क्षण में रोता, क्षण में हंसता कभी क्षण में रोता, क्षण में हंसता कभी क्षण में रोता। ये स्वप्न की नींद, ये स्वप्न का जीवन है हमारा और आपका सबका। मैंने कहा था कि जगा हुआ व्यक्ति कभी गाली नहीं देगा। हम सभी भाई बहन ये संकल्प लेकर के जाएं, आज सावन के महीना का सत्संग है और 15 अगस्त है कि हम भी गाली नहीं देंगे। एक बार में संकल्प ले लें कि हम गाली नहीं देंगे, दूसरी बार में ले लें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, तीसरी बार में ले लें कि हम कभी चुगली निंदा नहीं करेंगे, चौथी बार में ले लें हम बीड़ी सिगरेट तम्बाकू कबू नहीं पिएंगे, पांचवी बार में ले लें कि भैया हम ध्यान साधना करेंगे। ऐ जीवन थोड़े ही समय में निखर जाएगा, बिल्कुल बढ़िया एकदम पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। लेकिन हमें तो भूखे मत मत समय बीतेगा बहुत। आज एकादशी है, द्वादशी है, आज पूर्णमासी है, अमावस्या है, आज माता मैया की 8 है, आज 9वीं है, आज दशहरा है, जाने कितने कितने उपवास व्रत कर करके, लेकिन भयो कछु नहीं। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये हमारे भीतर के सदगुण ही सच्चे देवता हैं, ये हमारे भीतर का क्यों सुपन में तू खाता है गोता, क्षण में हंसता कभी क्षण में रोता, क्षण में हंसता कभी क्षण में रोता। आपने देखा है सपनों, कहीं जंगलम भटक गए, कहीं नदियां चढ़े आई, कहीं कोई गुंडा बदमाश आए गए, और जब आंखें खुली तो ओ रंक राजा बनेन्द्र भिखारी, ओ रंक राजा बनेन्द्र भिखारी, जाग जावे तो फिर कुछ रंक राजा बनेन्द्र को भिखारी, जाग जावे तो फिर कुछ नहीं है। रंक राजा बनेन्द्र को भिखारी, जाग जावे तो फिर कुछ नहीं है। रंग और वास्तव में अगर जागृत हो जाए तो न कोई राजा है और न कोई भिखारी है। गरज है तू दुखों से बचना, सदगुरु की शरण में तू आ जा, कर गरज है तू दुखों से बचना, सदगुरु की शरण में तू आ जा, आ जा हो सदगुरु की शरण में तू आ जा, सदगुरु की शरण में तू आ जा।
सुते अमृत स्वरूपई है तेरा, जन्म मृत्यु के काबिल नहीं है। सुते अमृत स्वरूपई है तेरा, जन्म मृत्यु के काबिल नहीं है। तो मेरे बहन भाइयों, अपनी आस्था के साथ अपने अस्तित्व को संभाल करके रखिए। आप अपने जीवन को हो समय बनाइए, भोजन में, खाने में, पीने में, आहार में, विहार में। जब कोई किसी प्रकार की अगर गड़बड़ होती है तो कहीं वो हमारी भूल है, इसलिए हम हमेशा जागृत होकर के जीवन जिए। आपका जीवन बढ़िया बनेगा, सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा।